डियर जिंदगी के बाद आलिया भट्ट और शाहरुख खान ने किया है कलेबरेट, लेकिन किस फिल्म के लिए, आइए करते हैं बात। हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं गूगल बॉलीवुड। दोस्तों, काफ़ी दिन पहले एक फिल्म की अनाउंसमेंट हुई थी जिसका नाम था डार्लिंग्स, जिसको प्रोड्यूस कर रहे हैं रेड चिलीज यानी SRK। अब बता दें, इस फिल्म में एक नया फैक्टर जोड़ दिया गया है। जैसा कि आपको पता है कि आलिया भट्ट ने कुछ देर पहले ही अपने प्रोडक्शन हाउस की है अनाउंसमेंट, जिसका नाम रखा गया है इटर्नल सनशाइन। अब आलिया भट्ट ने भी कर लिया है कलेबरेट SRK के साथ और वो भी इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगी। जी हाँ, एज ए प्रोड्यूसर ये उनकी पहली फिल्म है और इसमें वो खुद रोल भी कर रही हैं। फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो आलिया भट्ट और शेफाली शाह इस फिल्म में कर रहे हैं काम और माँ बेटी का रोल करेंगी ये दोनों एक्ट्रेसेस। आप बता दें कि इस फिल्म का छोटा सा टीजर भी किया है मेकर्स ने शेयर, जिसपे साफ साफ लिखा है उन्होंने कि औरतों का अपमान करना काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। जी हाँ, ये डार्क कॉमेडी होगी और इस फिल्म को जल्द ही कर दिया जाएगा रिलीज़। और अगर हम फिल्म की बात करें तो काफ़ी लोगों ने स्वागत किया है इस फिल्म का और आलिया भट्ट के प्रोडक्शन हाउस का। जैसे ही आलिया भट्ट ने अपने प्रोडक्शन हाउस की अनाउंसमेंट, वैसे ही बॉलीवुड के काफ़ी सेलिब्रिटीज़ ने उनका स्वागत किया। बता दें, करण जौहर ने उनको बहुत बहुत मुबारकबाद दी और उनका वेलकम किया एज ए प्रोड्यूसर इंडस्ट्री में, और काफ़ी लोगों ने उनको अच्छे अच्छे कॉमेंट्स लिखे। अगर हम आलिया के वर्क फ्रंट की बात करें तो हाल ही में हमने उनका टीजर देखा है फिल्म गंगूबाई का, जिसमें आलिया भट्ट एक दमदार रोल निभाती हुई नजर आ रही हैं और उस रोल को भी काफ़ी ज़्यादा लोगों द्वारा पसंद किया गया है। फिल्म की बात करें तो संजय लीला भंसाली उस फिल्म को बना रहे हैं और वो जल्द ही सिनेमा घरों में हो जाएगी रिलीज। लेकिन आलिया भट्ट एज ए प्रोड्यूसर भी बॉलीवुड में करने जा रही हैं डेब्यू, और अब देखते हैं कि एज ए प्रोड्यूसर वो कितना अच्छा काम करती हैं और कितनी अच्छी मूवीज हमारे लिए लेके आती हैं। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है आलिया के इस डेब्यू प्रोजेक्ट डार्लिंग्स पे? आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा और बॉलीवुड के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिएगा हमारा चैनल, जिसका नाम है गूगल बॉलीवुड।